बॉलीवुड में अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर हैं जो साल में 4 से 5 फिल्में करने में यकीन रखते हैं। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म पैडमैन 9 फरवरी को रिलीज होने जा रही है, लेकिन उससे पहले अक्षय कुमार अब ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लेने जा रहे हैं। दरअसल अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म गोल्ड का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जो स्वतंत्र भारत को ओलंपिक में मिले पहले गोल्ड मेडल की कहानी है। फिल्म में दिखाया गया है कि 1946 तक देश ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन वो ब्रिटिश इंडिया के नाम दर्ज थे। इसके बाद आजाद भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने का काम अक्षय करते हैं। अक्षय कुमार फिल्म में अपने आप को पागल बंगाली कहते हैं। वो हॉकी कोच की भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म ब्रिटिश इंडिया की कहानी है। अक्षय कई जगह धोती और कुर्ते में भी दिखाई देते हैं। इस फिल्म के जरिए टीवी की मशहूर अदाकारा मोनी रॉय बॉलीवुड में काम कर रही हैं। इस फिल्म में वो अक्षय की प्रेमिका की भूमिका में नजर आएंगी। टीजर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मोनी की एक झलक देखने को भी मिल जाएगी। मोनी अक्षय के साथ मस्ती में झूमती हुई नजर आ रही है। इस फिल्म में अमित साध, कुणाल कपूर और सनी कुशाल भी नजर आएंगे। फिल्म की डायरेक्टर रीमा कागती हैं। रीमा इससे पहले आमिर के साथ तलाश कर चुकी हैं। ये फिल्म एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर द्वारा निर्मित है। फिल्म 15 अगस्त 2018 को रिलीज होगी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।